सो हाय गाइस, मेरा नाम हरीश और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फास्ट पेजी स्टोरीज बाय हरीश। तो इस आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। मुझे उम्मीद है आप जहां भी होंगे जैसे भी होंगे सेफ होंगे। तो इस आज का जो वीडियो होने वाला है ना, ये काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है, क्योंकि गाइस इसमें माल्टा ने अपनी जो नई ट्रैवल एडवाइजरी है उसे कल ही अपडेट किया है रात को। तो गाइस वही मैंने रात को पढ़ लिया, तो मैंने सोचा मैं आपके लिए एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें सारी वो इन्फॉर्मेशन दूँ जो माल्टा ने अपनी नई ट्रैवल एडवाइजरी में दी है, चाहे वो वैक्सीन से रिगार्डिंग है, चाहे वो ट्रैवल से रिगार्डिंग है, चाहे वो क्वारंटीन से रिगार्डिंग है, या फिर वो हमारी डार्क रेड जोन कंट्री से रिगार्डिंग है। सेकेंडली हम बात करेंगे जो एलेक्स इन माल्टा है, एलेक्स भाई ने कल जो वीडियो बनाई थी उसमें उन्होंने कहा था कि क्या माल्टा इंडिया से फिर से कनेक्ट करेगा, क्या माल्टा इंडियंस के लिए, नेपालीज के लिए, पाकिस्तानीज के लिए फिर से ओपन होएगा। उन्होंने कुछ प्रूफ्स दिए हैं, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों ने पूछा था कि आप इस वीडियो का हिंदी वर्जन दीजिए कि एलेक्स भाई क्या कहना चाहते हैं, और उन्होंने काफ़ी अच्छी अच्छी बातें कही और काफ़ी अच्छे प्रूफ्स दिए, काफ़ी अच्छे हमें एग्जांपल दिए। तो कहीं उसी बारे में आज हम बात करने वाले हैं। आपको बताऊँ कि एम्बेसी का क्या सीन है, कब तक ओपन हो सकती है। हो सकता है ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो, थोड़ा सा बड़ा हो, लेकिन ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव आप सभी के लिए होने वाला है। तो मैं उसमें इतनी सी रिक्वेस्ट करूंगा आप वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, और अगर आपको वीडियो कहीं भी इन्फॉर्मेटिव लगे तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए हम फटाफट से शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो कहीं सबसे पहले हम चलते हैं विजिट माल्टा की वेबसाइट पर, जिसपे इन्होंने अपनी जो ट्रैवल एडवाइजरी है उसको अपडेट किया है। तो गाइस इस आर्टिकल के स्टार्टिंग में कहते हैं कि जो भी इन्फॉर्मेशन है, जो भी ट्रैवल एडवाइजरी है, ये लेटेस्ट इशू की गई है माल्टा हेल्थ अथॉरिटीज़ के द्वारा। इसके बाद कैसे कहते हैं कि ये कुछ कंट्रीज़ की लिस्ट हैं जिसके बारे में हमने पहले भी बात की, जहाँ से ट्रैवल परमिटेड है माल्टा के लिए। तो कैसे कहते हैं, ट्रैवल टू माल्टा इज़ ओनली परमिटेड टू द रेसिडेंट ऑफ द कंट्रीज़ इंक्लूडेड इन लीगल नोटिस। मतलब उस कंट्री के रेसिडेंट, जो लोग वहाँ रहते हैं, रहवासी, उन लोगों के लिए ही माल्टा तक ट्रैवल परमिटेड है। इफ़ वन प्रेजेंट बिलो सर्टिफिकेट, मतलब वो बंदा अगर ये नीचे वाले जो सर्टिफिकेट है उनको प्रेजेंट कर देता है तो। तो गाइस ये वही सर्टिफिकेट हैं जिनके बारे में हमने काफ़ी बार चर्चा की है, लेकिन गाइस इसमें दो या तीन नए कंट्रीज़ के वैक्सीन सर्टिफिकेट अपडेट हुए हैं। तो गाइस सबसे पहले यहाँ है माल्टीज वैक्सीन सर्टिफिकेट, सेकेंड है यूरोप EU डिजिटल कोविड वैक्सीन सर्टिफिकेट, थर्ड है यूनाइटेड स्टेट्स का जो नया ऐड हुआ था इन्होंने। ये जो है सर्टिफिकेट जो है ये वैलिड रहेगा 31 जुलाई 2021 तक, उसके बाद जो है 1 अगस्त से ये लोग वेरीफ्लाई ऐप के थ्रू यहाँ इसको सर्टिफिकेट को मान्य करेंगे। UAE वैक्सीन सर्टिफिकेट इशूड बाय दुबई हेल्थ अथॉरिटीज़, टर्किश हेल्थ सर्टिफिकेट, यूनाइटेड किंगडम हेल्थ सर्टिफिकेट जो NHS ग्रीन पास है। उसके बाद गाइस यहाँ दो कंट्रीज़ और ऐड हुई थी, जिसमें फर्स्ट है गिब्राल्टर जर्सी एंड गुड्सनी वैक्सीन सर्टिफिकेट, और लास्ट है सर्बियन डिजिटल ग्रीन सर्टिफिकेट विद अ रीडेबल QR कोड। गाइस सर्बिया से आज हम जुड़ी कुछ अच्छी सी बातें करेंगे। तो सर्बियन डिजिटल ग्रीन सर्टिफिकेट जो है यहाँ मान्य कर दिया गया है। अब गाइस जो मैंने ये 6 या 7 कंट्रीज़ के नेम लिए, यहाँ जो वैक्सीन सर्टिफिकेट उन्होंने यहाँ के जो अप्रूव किए हैं, तो ये ओनली EMA अप्रूव्ड वैक्सीन होनी चाहिए, जिसका मैंने पहले भी जिक्र किया है, पीफाइज़र, AstraZeneca, जॉनसन एंड जॉनसन और मॉडर्ना, इन 4 में से एक वैक्सीन होनी चाहिए। तो गाइस अब यहाँ पे कुछ नोट में लिखा हुआ है, तो हम पढ़ते हैं कि वो क्या इन्फॉर्मेशन है। वैक्सीन सर्टिफिकेट शोइंग मिक्स यूज ऑफ EMA अप्रूव्ड वैक्सीन आर आल्सो एक्सेप्टेड। मतलब ऐसे सर्टिफिकेट जिसमें मिक्स EMA अप्रूव्ड वैक्सीन दिखाई गई है वो भी एक्सेप्टेड है। तो हमारे माइंड में पहले कन्फ्यूजन था कि हमें सेम वैक्सीन के डोज लेने हैं, तो इसमें यहाँ लिखा हुआ है कि मिक्स EMA अप्रूव्ड वैक्सीन भी एक्सेप्ट होने वाली हैं। तो ये एक नया अपडेट है हम सबके लिए जो अभी तक हमें नहीं पता था। गाइस इसके बाद यहाँ इन्फॉर्मेशन दी गई है, अगर कोई ऐसा बंदा है जो वैक्सीन सर्टिफिकेट प्रेजेंट नहीं कर पाता तो उनके लिए क्या रूल्स हैं। इफ़ अपॉन अराइवल इन माल्टा एनी पैसेंजर अबव 5 दैट डू नॉट हैव वैलिड सर्टिफिकेट, मैंडेटरी 14-day क्वारंटाइन इन एन अकोमोडेशन प्रोवाइडेड बाई हेल्थ अथॉरिटीज अगेंस्ट अ फी ऑफ 100 यूरो पर नाइट। गाइस इसमें ये कहते हैं कि अगर आपके पास कोई भी वैक्सीन सर्टिफिकेट वैलिड नहीं है तो आप माल्टा आके 14 डे आपको क्वारंटाइन करना रहेगा, 100 यूरो पर डे आपको देने हैं, और जो माल्टा की हेल्थ अथॉरिटी है उनके जो होटल्स होते हैं उसमें आपको स्टे करना रहेगा। लेकिन गाइस यहाँ एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमारे लिए भी दी गई है, दिस ऑल्सो अप्लाई टू पैसेंजर अराइविंग फ्रॉम कंट्रीज नॉट लिस्टेड इन लीगल नोटिस 300-2021। तो गाइस इसका मतलब ये है कि ये डार्क रेड जोन कंट्री वाले जो पर्सनस हैं, जो ट्रेवलर्स हैं, उन पे भी अप्लाई होता है कि अगर वो एक नॉट वैलिड सर्टिफिकेट लाते हैं तो उन्हें क्वारंटीन करना पड़ेगा 100
यूरो पर डे के हिसाब से, मतलब 1400 यूरो आपको देने पड़ेंगे 14 डेज के, और ब्रेकफास्ट उसके अंदर इंक्लूडेड होगा। फिर से यहाँ एक और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, माल्टीज पासपोर्ट होल्डर, रेसिडेंट ऑफ माल्टा और एनी अदर पर्सन हु हैव इंपॉर्टेंट रीजन टू विजिट माल्टा बट डू नॉट हैव अ अप्रूव्ड वैक्सीन सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड कंसेंट फ्रॉम माल्टीज पब्लिक हेल्थ अथॉरिटीज़। गाइस इसका मतलब मैं समझाता हूँ कि ये क्या कहना चाह रहे हैं। ऐसे बंदे जिनके पास माल्टा का पासपोर्ट है, जो माल्टा का रेसिडेंट है, या कोई ऐसा बंदा जिसके पास पुख्ता रीज़न है, जिसके पास एक बड़ा रीज़न है माल्टा आने का, इम्पोर्टेंट रीज़न है माल्टा आने का, और उन्होंने माल्टा की अप्रूव्ड वैक्सीन नहीं ले रखी, तो गाइस उन्हें ईमेल करनी होगी covid19.vetting@gov.mt। उन्हें कंसेंट लेना पड़ेगा माल्टा हेल्थ अथॉरिटीज़ का, SPS डिपार्टमेंट का। तो गाइस ये काफ़ी बड़ी इन्फॉर्मेशन है, ये इन्फॉर्मेशन पहले भी थी, लेकिन इसमें नया क्या है, इन्होंने खुद ने फॉर्मेट बना के दिया है कि आप इस फॉर्मेट में उन्हें ईमेल करिए। तो गाइस वही बताता हूँ मैं आपको कि इन्होंने क्या बताया है कि हमें कैसे ईमेल करनी है अगर हमें ये कंसेंट चाहिए, अगर हमें SPH अप्रूवल चाहिए। तो ऐसे बताते हैं, ईमेल तो मैंने बता ही दिया आपको, covid19.vetting@gov.mt। आपको राइटिंग द टेक्स्ट इन सब्जेक्ट लाइन, कंसीडर CONSIDER कैपिटल में, ब्रैकेट में नेम ऑफ कंट्री और स्लैश स्टेट ऑफ डिपार्चर, इफ द हेल्थ अथॉरिटीज ग्रांट अप्रूवल 1:2 अदर 2 डायरेक्शन गिवन। मतलब अगर आपको अप्रूवल मिलती है तो आपको आगे के जो निर्देश हैं, डायरेक्शन है, वो भी आपको मिलते रहेंगे। तो गाइस ये काफ़ी एक बड़ा इन्होंने यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया है, किस तरीके से हमें अप्रूवल लेनी है। तो गाइस ये तो बात हुई कि माल्टा की जो ट्रैवल एडवाइस अपडेट हुई है। अब हम बात करते हैं कि इंडियंस के लिए, साउथ एशियन कंट्रीज़ के लिए, जो हमारे जैसी कंट्रीज़ हैं इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, उनके लिए क्या अपडेट है, एलेक्स भाई ने क्या कहा है उनके वीडियो में। तो गाइस देखिए, अगर हम बात करें कि हमारे यहाँ एम्बेसी ओपन होने की या VFS सेंटर ओपन होने की, हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। अभी मैंने आपसे जिक्र किया था सर्बिया का। सर्बिया एक यूरोप की छोटी सी कंट्री है जो बालकन रीजन में पड़ती है, और वो इंडिया को अभी जो है ना, इंडियंस को विदाउट वीज़ा एंट्री दे रहे थे। काफ़ी इंडियंस घूमने गए होंगे, आपने वीडियोस देखे होंगे। तो वह सर्बिया भी माल्टा की डार्क रेड लिस्ट में था इंडिया की तरह। आप सुन रहे हैं ध्यान से, डार्क रेड लिस्ट में था इंडिया की तरह। लेकिन गाइज इंडिया की तरह सर्बिया का भी एक बिग कम्युनिटी माल्टा में काम करता है, एक कम्युनिटी माल्टा में काम करती है, एज अ वर्कर काम करते हैं वो लोग, और काफ़ी सारे जो सर्बियन वर्कर्स हैं, ट्रैवलर्स हैं, वहाँ आते जाते रहते हैं, जैसे इंडिया के सेम वैसे ही। तो गाइज पिछले कुछ टाइम से उन्होंने उस कंट्री को डार्क रेड लिस्ट में रख रखा था। लेकिन गाइज रिसेंटली 21 या 22 तारीख से ये जो सर्बिया की अपडेट है, ये कि सर्बिया के वैक्सीन सर्टिफिकेट वो अप्रूव कर रहे हैं, उसका मतलब गाइस ये है कि अचानक से माल्टा ने उन्हें अपनी ग्रीन लिस्ट में डाल दिया। अचानक से उन्होंने अपना ट्रैवल स्टार्ट कर दिया और वहाँ के वैक्सीन सर्टिफिकेट अप्रूव कर दिए। तो गाइस हमें भी कुछ ऐसा ही करना होगा कि इंडियंस के लिए भी वो जल्दी से कर दें। अगर अगर हम बात करें केसेस की, हमारे जो कंट्री में केसेस हैं वो बहुत कम हैं पहले से। तो एलेक्स भाई ने ये कहा, जितने कम केसेस होंगे उतने ज़्यादा चांसेस होंगे माल्टा और इंडिया का जो ट्रैवल गेट है उसको ओपन करने के। तो ऐसे एक बहुत बड़ा ये हमें एग्जांपल मिला है कि सर्बिया, सही बात है, मैंने खुद ने देखा था कि डार्क रेड लिस्ट कंट्री में था और आज वो एक एम्बर लिस्ट है, और आज मतलब वहाँ से हम ट्रैवल कर सकते हैं सर्बिया, माल्टा, माल्टा सर्बिया, क्योंकि वहाँ के वैक्सीन सर्टिफिकेट अप्रूव्ड हो गए हैं। तो वैसे ऐसा हमारे साथ भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो वह जैसा कि हम सब जानते हैं कि काफ़ी सारे लोग माल्टा जाना चाहते हैं, तो माल्टा की हेल्थ अथॉरिटीज़ भी इस प्लानअप में है कि किस तरीके से इसे रीओपन किया जाए। लेकिन गाइज एक सलाह जो एलेक्स भाई ने दी, एक सलाह जो मैं दूंगा आप सभी को, कि हमें इसके लिए ईमेल करनी चाहिए। तो वैसे ईमेल है covid19.vetting@gov.mt। हमें इन्हें ईमेल करनी चाहिए कि सर हम एज अ वर्कर, एज ए स्टूडेंट 1.5 से 2 साल से वेट कर रहे हैं माल्टा आने के लिए। चाहे आप अपनी किसी लैंग्वेज में लिखें, इसमें कोई मैं परफॉर्मा नहीं दे रहा आपको, आप अपने मन से लिखें, लेकिन लिखिएगा ये कि सर हम पिछले 1.5 से 2 साल से एज अ वर्कर, एज ए स्टूडेंट वहाँ आने के लिए वेट कर रहे हैं। ये हमारी रिक्वेस्ट है कि अब आप मतलब ट्रैवल को रिज्यूम कीजिए, जैसे कि हमारे इंडिया, हमारी कंट्री में केसेस बहुत कम हैं। क्योंकि गाइज यही चीज़ एलेक्स भाई ने जो सजेस्ट की है, यही चीज़ मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि हम ईमेल करके अपना हक वापस ले सकते हैं। तो गाइज वही वाली बात है कि हमें ईमेल्स करनी होंगी, हमें उन्हें बताना होगा, उन्हें जताना होगा कि हम भी वहाँ आना चाहते हैं और हम पिछले 1.5 से 2 साल से वेट कर रहे हैं। वैसे ऐसा नहीं है कि हमें एग्जांपल नहीं देखने को मिले। सर्बिया का एग्जांपल तो मैंने दिया ही आपको, इसके अलावा गाइस जर्मनी एक बहुत बड़ा एग्जांपल है, फ्रांस एक बहुत बड़ा एग्जांपल है, जहाँ से हम ही
इंडिया टू फ्रांस जो है, फ्रांस के VFS सेंटर भी ओपन हुए हैं इंडिया के अंदर, जर्मनी के VFS सेंटर भी ओपन हुए हैं इंडिया के अंदर। इसका मतलब ये संकेत यही है कि जल्दी ही ट्रैवल स्टार्ट होने वाला है, ट्रैवल रिज्यूम होने वाला है। तो गाइस हम अगर इतना कर सकें, हम इन्हें ईमेल कर सकें, तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात होने वाली है। एज ऑफ नाउ थर्ड कंट्री से ट्रैवल पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि वो SPH अप्रूवल पहले तो हमें लेनी पड़ेगी, फिर हम वीज़ा लगवाने कहाँ जाएंगे। अगर हम वीज़ा लगवाने दुबई जाते हैं तो दुबई में हमें 8 मंथ रेसिडेंट होना चाहिए, मतलब दुबई में वही लोग वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं जो 8 महीने तक वहाँ रह चुके हों। तो गाइस ये बहुत मुश्किल चीज़ें हैं, बहुत अभी इनमें अभी कॉम्प्लिकेशंस हैं। लेकिन हाँ, अगर इंडिया में VFS ओपन हो जाते हैं, अपनी कंट्री में VFS ओपन हो जाते हैं, तो एक बहुत बड़ा हमारे लिए चेंज हो जाएगा। तो उसी के लिए हमने ईमेल करनी है, आप ईमेल कर सकते हैं। और अगर गाइस एंड में अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और कमेंट करके बताइए कि आपको क्या लगता है कि मेरे स्टेटमेंट से या फिर हमारे ईमेल करने से कुछ फ़र्क पड़ेगा। तो गाइस जाते जाते हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि हमें मिलता है मोटिवेशन और आपको मिलते रहेंगे रियल टाइम नोटिफिकेशन। हम मिलेंगे ऐसे किसी अगले अच्छे हेल्पफुल इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।